खंडवा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने मुख्य आतिथ्य में सतवास के ग्राम बड़कन खारी में ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित नर्मदा गौशाला का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में पूर्व मंत्री दीपक जोशी, क्षेत्रीय विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे, मानधाता विधायक नारायण पटेल अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान स्वागत उद्बोधन देते हुए सरपंच दिलीप पटेल ने गौशाला निर्माण के संबंध में जानकारी देते हुए उपस्थित अतिथियों का शब्दों के माध्यम से स्वागत किया। आभार वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश जोशीला ने माना। कार्यक्रम के दौरान भगवान सिंह पटेल सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता एवं नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छता अभियान, गोबरधन जैविक खेती जैसी योजनाओं को अपनाकर खेती को लाभ का धंधा बनाना होगा। सतवास से जीतू सिंघी की रिपोर्ट। दो एकड़ से शुरुआत करेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, साल भर दो साल भले हमारा उत्पादन कम होगा, लेकिन हम गोबर खाद का उपयोग करेंगे तो हमारे को चाहिए गाय। और गाय अभी आजकल हम देखते हैं कि चाहे बड़ा किसान भी है तो उसने गाय बैल भैंस रखना बंद कर दिया, वो भाड़े से हमारे यहाँ पर खेती कराना पसंद करता है लेकिन गाय पालना पसंद नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे हमको कहीं ना कहीं हम पुराने पद्धति पर आ रहे हैं। अभी दीपक भैया का पेट की चिंता हो रही है और जंगल है तो पर्यावरण है और जानवर है तो हमको चाहे खेती के करने के लिए बोलो या दूध के लिए बोलो, और जानवर को हमारे यहाँ पर हमने गो को जानवर नहीं समझा, गो को गो माता का दर्जा दिया है। अभी कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोबरधन प्लांट का शुभारंभ किया इंदौर में, तो ये जो कुछ ना कुछ सोच समझ के किया। हम लोग देखते हैं कि पहले भी हम लोग गोबर गैस के माध्यम से हमारे घर पर गैस का उपयोग करते थे जिससे हमारे घर का खाना भी बनता था और घर की लाइट भी जलती थी, लेकिन क्यों किया तो उसमें थोड़ी मेहनत करना पड़ती। हम लोग धीरे धीरे मेहनत करने से दूर होते जा रहे, हम बिल्कुल आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं। तो गैस की टंकी लाई, गैस लगाई, लेकिन उससे क्या परिणाम हो रहा है नहीं हो रहा है ये हम लोग नहीं समझते। अभी दीपक भैया ने कहा कि पंजाब हमारे से उत्पादन के मामले में दुगना उत्पादन करता है और हमारा यहाँ का किसान उनसे ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन हम धीरे धीरे जब हम लोग, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं छोटा था तो उस समय मेरे घर पे कभी भी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।